Oh,
जा रहा।
जो राम का अनुव्रत ना हो, राम का भक्त ना हो। अरे वाल्मीकि जी ने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी? अरे हमारे पड़ोस में ही एक जो है वो राम को गाली देता है, हम कैसे मान लें कि राम का भक्त है? अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी तो आप लोग भी मान जाएंगे कि संसार में प्रत्येक जीव जो है वो राम का भक्त है। अगर महापुरुषों ने कुछ कहा है तो ऐसे ही कह दिया। महापुरुष अन्यथा नहीं बोला करते, वो जो कुछ भी बोलते हैं वो स्वयं सिद्ध वाणी होती है, भगवान की वाणी होती है। तो देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि संसार में जितने भी लोग हैं सब अलग अलग बुद्धि के लोग हैं, सबकी अलग अलग बुद्धि है, सबकी अलग अलग शक्लें हैं, अलग अलग चेहरे हैं सबके, किसी की रेखाएं एक सी नहीं होती, यहाँ तक कि किसी के अंगूठा निशान भी नहीं मिलते। आप लोग पेपर में साइन करते हैं तो उससे बड़ा साइन होता है आपका अंगूठे का निशान। तो आप लोग ये भिन्नता जो देखते हैं संसार में, अलग अलग भिन्नता दिखाई दे रही है, यहाँ तक आप लोगों ने देखा होगा एक ही वृक्ष के दो पत्ते एक से नहीं होते, कुछ ना कुछ भिन्नता अवश्य होती है। इतनी भिन्नता होने के बाद भी विश्व का प्रत्येक जीव एकमात्र एक ही चीज चाहता है। वो क्या चीज है? समस्त विश्व के प्रत्येक जीव, चाहे चींटी से लेकर ब्रह्मा तक हो, सब केवल एक ही वस्तु चाहते हैं। क्या चाहते हैं? आनंद, सुख, चैन, लुप्त, मजा, हैप्पीनेस, ये अनंत नाम है उसके। अलग अलग नामों से आप इसको पुकारते हैं। तो देखिए, सबकी अलग अलग मति है, अलग अलग बुद्धि है, सब चीज अलग अलग है। उसके पश्चात भी विश्व का प्रत्येक व्यक्ति एकमात्र आनंद चाहता है, सुखी रहना चाहता है। एक बच्चे से पूछो, छोटे से बच्चे से, 5 साल के बच्चे से, तुम क्या चाहते हो? वो कहेगा हम परीक्षा में पास होना चाहते हैं। अच्छा, परीक्षा में पास क्यों होना चाहते हैं? फिर से उससे प्रश्न करो, तुम परीक्षा में क्यों पास होना चाहते हो? जिससे कि हम अगली कक्षा में चले जाएंगे। अच्छा, अगली कक्षा में क्यों जाना चाहते हो? जिससे कि करते करते आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन हम BA MA हो जाए, PhD हो जाए। अच्छा, BA MA PhD वो करके क्या करोगे? उसके पश्चात हम नौकरी करेंगे। नौकरी? अरे नौकरी, तुम नौकरी करोगे इतना पढ़ने लिखने के बाद? अरे अपने माँ बाप की नौकरी तो करते नहीं हो, तुम दूसरे की नौकरी करोगे? अरे हाँ, नौकरी करेंगे वो इसलिए क्योंकि नौकरी करने से पैसा आएगा। अच्छा, पैसा आएगा तो उस पैसे का क्या करोगे? उस पैसे से हम सुख के सामान खरीदेंगे, सामान इकट्ठा करेंगे। अच्छा, सामान इकट्ठा करोगे, फिर उससे हम चैन की नींद सोएंगे, सुख की नींद सोएंगे। कहाँ पे पहुंचा वो बालक? सुखी होने के लिए वो इतना प्रयत्न कर रहा है कि हम सुखी हो जाए। अरे जो बच्चा जन्म लेता है, जो कुछ जानता भी नहीं, वो भी कहता है हमें आनंद दो, सुख दो। आप कहेंगे छोटा सा बच्चा अभी जन्म लिया है उसने, तो वो तो बोल भी नहीं पाता, वो कैसे सुख मांगेगा, आनंद मांगेगा? तो देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है, ध्यान दीजिए, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे समझ में आएगा, आप लोगों के कल्याण की बात है। तो जब वो बच्चा जन्म लेता है तो वो रोता है, सबसे पहले रोता है, आप लोग जानते ही होंगे। तो बच्चा रोया क्यों?
जब बच्चे ने जन्म लिया तो जन्म लेते समय जो उसको कष्ट हुआ, वो कष्ट को वो रो करके व्यक्त करता है कि हमें ये दुख नहीं चाहिए, हमें आनंद चाहिए। ये नारा लगाता है कि हमें सुख चाहिए, मैं सुख लेने के लिए यहाँ आया हूँ, मुझे दुख नहीं चाहिए। वो छोटा सा बालक भी आनंद चाहता है, सुख चाहता है। गर्भ में रहते हुए तो वो कष्ट भोगता ही है, हम सब माँ के गर्भ में रहे हैं। अरे चाहे कुकरी हो चाहे शुकरी हो, सब माँ के गर्भ में जाते हैं और उस कष्ट को झेलते हैं। कितना कष्ट पाते हैं गर्भ में हम, अभी हमें याद नहीं है। इतना कष्ट होता है गर्भ में कि बच्चा तड़पता है, रोता है, इतना तड़पता रोता है कि वो मन ही मन गर्भ में ही भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझे इस नर्क गर्भ से बाहर निकालो, मुझे ये दुख नहीं चाहिए, मैं मुझे बाहर निकालो, मैं तो केवल तुम्हारी भक्ति करूंगा। और जब बच्चे ने गर्भ में भगवान से प्रार्थना की तो भगवान को दया आ गई, उस राम को दया आ गई और उस राम ने कहा, ठीक है बेटा, मैं तुझे इस नरक से बाहर निकालूंगा, तू मेरी ही भक्ति करना। और जैसे ही हम बाहर आए तो हमें जो जितने भी संसार वाले थे, किसी ने कहा कि हम तेरी माँ हैं, हम तेरे बाप हैं, तेरे भाई बहन हैं, और हम भगवान को भूल गए। गर्भ में किए थे वादे, गर्भ में किए थे वादे, गोविंद राधे, भक्ति ही करूंगा किंतु भूल गए वादे, भक्ति ही करूंगा किंतु भूल गए वादे। हम सब ने माँ के गर्भ में भगवान से प्रार्थना की थी, लेकिन जैसे ही बाहर आए भगवान से जो वादा किया था उसको भूल गए। और इस संसार में ही माँ बाप भाई बहन बेटा स्त्री पति में ही हमने आनंद ढूंढने लगे हम कि इससे हमें आनंद मिल जाएगा, आज इससे नहीं कल इससे आनंद मिल जाएगा, आज इस वस्तु से आनंद मिल जाएगा, लेकिन आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। अभी भी हम इसी आनंद को पाने के लिए भटक रहे हैं कि हमें बस आनंद मिल जाए, सुख मिल जाए, लेकिन अभी तक हमें सुख की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि हमने गलत जगह सुख को ढूंढा है, इस संसार में सुख को ढूंढा है। ये संसार की वस्तु मिल जाएगी तो आनंद मिल जाएगा, लेकिन जहां सुख है ही नहीं वहां आपको सुख कैसे मिलेगा। देखिए सुख की परिभाषा क्या है, थोड़ा सा समझ लीजिए। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, आनंदाद्धैव फल विमानि भूतानि जायन्ते, आनंदेन जातानि जीवन्ति, आनंदम त्यति त्यंत विषम विसंति तद् ब्रह्म। उस भगवान को ही आनंद कहते हैं, आनंद को ही भगवान कहते हैं। ये भगवान और आनंद बहुत ध्यान दीजिएगा, अभी तक हमें ये परिभाषा समझ में नहीं आई, इसीलिए हमें आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। अगर आप ये परिभाषा समझ लेंगे, इस वेद मंत्र को समझ लेंगे, तो आपको सदा सदा के लिए सुख आनंद मिल जाएगा, फिर आपको दुख रूपी संसार में भटकना नहीं पड़ेगा। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, आनंद ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आनंद है, यानी कि भगवान ही आनंद है, आनंद ही भगवान है, और उसी आनंद के हम अंश हैं, उसी भगवान
होंगे, जितनी भी संसार की नदियां हैं सब अंत में जाकर के समुद्र में मिल जाती हैं, क्योंकि वो समुद्र का अंश है, समुद्र उनका अंशी है। जब तक वो अपने अंशी में नहीं मिलेंगी तब तक वो कहीं ना कहीं घूमते फिरते भटकती रहेंगी और अंत में जाकर समुद्र में ही मिल जाएंगी, क्योंकि वो नदी समुद्र का अंश है। जितनी भी अग्नि शिखाएं हैं, आप लोग गैस जलाते होंगे, चूल्हा जलाते होंगे, सब अग्नि ऊपर की ओर जाती है, सब ऊपर की ओर जाती है। आप लोग देखते होंगे ऊपर की ओर क्यों जाती है, क्योंकि वो सूर्य का अंश है, वो अपने अंशी को प्राप्त करना चाहती है। ये जैसे मिट्टी का ढेला है, ये हमने पकड़ रखा है, ये पृथ्वी का अंश है, अगर हम इसको छोड़ देंगे तो तुरंत ही अपने अंशी में मिल जाएगा। ऐसे ही संसार की प्रत्येक जीवात्मा, चाहे चींटी हो चाहे ब्रह्मा हो, प्रत्येक जीवात्मा भगवान का अंश है। जब तक वो अपने अंशी को नहीं प्राप्त कर लेगा, उस भगवान को नहीं प्राप्त कर लेगा, तब तक वो इसी प्रकार इस दुख रूपी संसार में भटकता रहेगा। आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, सुख की प्राप्ति नहीं होगी। अरे जब हम भगवान के अंश हैं, तो जब तक अपने अंशी को नहीं प्राप्त कर लेंगे तब तक हमें आनंद कहाँ से मिलेगा, सुख कहाँ से मिलेगा। उसी सुख को पाने के लिए हम सब प्रयत्न कर रहे हैं, चाहे चींटी हो चाहे ब्रह्मा हो, सब सुख पाना चाहते हैं। तो इसीलिए हम आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, और जो आनंद प्राप्त करना चाहता है, आनंद यानी भगवान को प्राप्त करना चाहता है, तो वो नास्तिक कैसे हो सकता है। यानी कि जो भगवान को मानता है, चाहे इनडायरेक्टली माने चाहे डायरेक्टली माने, लेकिन जो भगवान को मानता है, आनंद को मानता है, तो इसका मतलब विश्व का प्रत्येक जीव भगवान से प्रेम करता है, ये सिद्ध हो गया। यानी कि वाल्मीकि जी का जो वचन है, उन्होंने जो कहा है कि लोके नहि सब विद्येत यो न राम मनुव्रतः, ऐसा संसार में कोई भी जीव नहीं है जो राम का भक्त ना हो। इसीलिए उन्होंने कहा, क्योंकि सब आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए संसार में प्रत्येक जीव आस्तिक है, सब भगवान के भक्त हैं। समस्त संसार में अलग अलग भक्ति दिखाई दे रही है, इतनी भक्ति दिखाई दे रही है। हम लोग मंदिर जाते हैं, भगवान की पूजा पाठ करते हैं, आप लोग जाते हैं मंदिर, लेकिन अभी तक हमने सही सही भगवान की भक्ति नहीं की, इसीलिए हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। अगर हम सही सही भगवान की भक्ति कर लेते, सही सही प्रेम कर लेते, तो आज हम राम के धाम पहुंच गए होते। देखिए हम लोग मंदिर जाते हैं, अभी हमने भगवान से अपना संबंध नहीं जोड़ा। अगर भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, उनको पाना चाहते हैं, सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनसे एक संबंध जोड़ो। माता पिता मान लो, भाई बहन मान लो, बेटा मान लो, सखा मान लो, प्रियतम मान लो, कोई भी संबंध मान लो भगवान से। जैसे हमने संसार में बना रखे हैं, ऐसे ही भगवान को कुछ भी मान लो, जो आपको अच्छा लगे, और उनसे प्रेम करो। और हम लोग मंदिर जाते हैं क्या सोच करके, जब भी हम मंदिर जाते हैं तो क्या भगवान से प्रेम करने जाते हैं? आप सब कहेंगे नहीं नहीं हमारा तो भगवान से प्रेम है। कैसा प्रेम करने जाते हैं भगवान से, थोड़ा सा सुन लीजिए। आप लोगों का कच्चा चिट्ठा खोल देते हैं, अब देखिए हम मंदिर गए और जा करके सबसे पहले मंदिर के बाहर खड़े हो गए, और खड़े होकर के हमने देखा कि कहाँ पर जूते चप्पल उठा रखे जाए कि भगवान भी दिखते रहे, जूता चप्पल भी दिखता रहे, ऐसा ना हो कोई जूता चप्पल उठा ले जाए
और हम लोग पहन के भी नए नए जूते चप्पल जाते हैं, अरे टूटे फूटे कोई देख लेगा तो बेइज्जती हो जाएगी, तो सबसे पहले मंदिर जाकर के जूता चप्पल रखने की जगह ढूंढते हैं। और अब रख दिया जूता चप्पल, बढ़िया, हाँ यहाँ से भगवान भी दिखेंगे, जूता चप्पल भी दिखेंगे, और चले गए मंदिर में प्रवेश किए। और मंदिर में प्रवेश करके भगवान के सामने हाथ जोड़ करके आंख बंद करके खड़े हो गए, तमेव माता च पिता तमेव, और एक नजर जूते की हो, तो इसका मतलब हे भगवान तू मेरी माता पिता नहीं है, ये जूता मेरी माता पिता है। और चलो ठीक है, चले भी गए। उसके बाद हम पहुंचे और कहा, और भगवान से कहने लगे, हे भगवान आप हमारी ये मनोकामना पूर्ण कर दीजिए तो हम तुमको सवा सेर लड्डू का प्रसाद चढ़ाएंगे, चुन्नी उड़ाएंगे। और भगवान ने अगर ये सोचा कि चलो ठीक है मनोकामना पूरी कर देंगे, लड्डू खाने को मिलेंगे, एक बात बताइए, अगर भगवान आपकी मनोकामना पूरी कर सकते हैं तो अपने लड्डू खाने की मनोकामना पूरी नहीं कर पाएंगे क्या? चाहे तो तुम्हारे पीछे पड़ेंगे, तुम हमारी पूजा करो तब हम तुम्हारे लड्डू खाने को मिलेंगे। और फिर चलो अगर आपको इतना ही विश्वास है भगवान पे, इतना भरोसा है कि भगवान मनोकामना पूरी करते हैं, तो फिर पहले ही लड्डू चढ़ा दो ना। लेकिन हमारे मन में क्या होता है, हो सकता है मनोकामना पूरी ना हो तो सवा सेर लड्डू पर बर्बाद हो जाएंगे, जबरदस्ती भगवान को चढ़ाएंगे। तो ऐसे हम भक्ति करते हैं और भगवान को हम घूस देते हैं सवा सेर लड्डू की और चुनरी की और तमाम सामान होते हैं, आप जानते होंगे, मैं तो मनोकामना नहीं करती हूँ इसलिए मुझे तो नहीं पता, लेकिन आप लोग आप में से जो जो करते होंगे तो आप लोग जानते होंगे। आजकल बड़ा प्रचलन है कि एक लोटा जल समस्त समस्या का हल, ठीक बात बताइए, आज के एक लोटा जल से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? अरे भगवान तो भक्ति से प्रसन्न होते हैं, प्रेम से प्रसन्न होते हैं, आप भगवान से प्रेम करेंगे तब भगवान प्रसन्न होंगे, इन बाहरी चीजों से भगवान प्रसन्न नहीं होते, वो प्रेम का भूखा है, प्रेम के वश में है वो भगवान, हमारे इन आडंबरों के वश में नहीं है। हम सोचे कि उन्हें बेलपत्री चढ़ा दे, जल चढ़ा दे, चुन्नी उड़ा दे, तमाम जो पाखंड करते हैं ठीक है, भगवान ने हाथ पैर दिया है तो करना भी चाहिए, लेकिन मनोकामना लेकर के मत जाना, अन्यथा आप नास्तिक बन जाएंगे। क्यों नास्तिक बन जाएंगे? आज आपसे किसी ने कह दिया कि आप जा करके बेलपत्ती में ऐसा ऐसा करके ये मंत्र करके भगवान को चढ़ा दो और तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, तो देखिए ये मनोकामना पत्ती चढ़ाने से पूरी नहीं होती। जब कोई जीव भगवान की शरणागति करता है तो योगक्षेम महाम्यहम, भगवान उसका योगक्षेम वहन कर लेते हैं। जो भी वस्तु हमारे पास नहीं है, ध्यान दीजिएगा, चाहे संसारिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, जो वस्तु हमारे पास नहीं है वो भगवान दे देता है केवल शरणागति करने से, और जो है उसकी रक्षा करता है। तो जब हम भगवान की शरणागति कर लेंगे, कंप्लीट सरेंडर कर देंगे, यानी कि भगवान से कभी कुछ नहीं मांगना है, बस प्यार करना है, यही शरणागति है, बस केवल उनसे प्यार करना है, तो भगवान तो अपने आप ही दे देगा, मांगने की आवश्यकता नहीं है। और जो भी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, आप लोगों को जैसा लगता है कि मनोकामना भगवान पूरी कर देते, हमने तो ऐसा उपाय किया और भगवान ने हमारी मनोकामना पूरी कर दी, तो देखिए कोई भी कार्य जो होता है वो हमारे
ऐसा हो गया। अरे अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। महाभारत कह रही है कि अपने शुभ और अशुभ कर्मों का फल जीव को स्वयं भोगना पड़ता है। तो जब जीव को स्वयं अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है तो फिर ये उपाय किस काम के हैं? ये सब फालतू के उपाय हैं। आपका अगर काम बन गया आपके संस्कारों के अनुसार तो आप तो भगवान को कहेंगे अरे बड़े सिद्ध भगवान हैं और जिन बाबा ने ये बताया है वो भी बड़े सिद्ध हैं। और बाय चांस जिसका काम नहीं बना संस्कार वश तो वो तो नास्तिक हो जाएगा, वो तो भगवान को गाली देने लगेगा। आज हम भगवान के पास मनोकामना लेकर के गए, हे भगवान हमारी संतान हो जाए, बालक हो जाए, और आपके संस्कार वश आपके संतान हो गए तो आप कहेंगे अरे बड़ी सिद्ध देवी है, बड़े सिद्ध देवता है, और कल को वो संतान बीमार पड़ी, फिर हम उसी भगवान के पास गए, अरे आपके कारण तो हमें संतान मिली है, अब आप कृपा करें हमारी संतान बड़ा बीमार है ठीक हो जाए, तो पता चला वो संतान मर गई, तो आपको नास्तिक बनना पड़ेगा, कोई नहीं रोक सकता नास्तिक बनने से। तो इसलिए भगवान के पास मनोकामना लेकर के नहीं जाना है, हम इस संसार में आए हैं भक्ति करने के लिए, भगवान से प्रेम करने के लिए। भगवान ने हमें ये जो मनुष्य शरीर दिया है उसका केवल एक काम है बस, और कोई काम नहीं है। ये शरीर जो दिया है संसार चलाने के लिए बस, ये संसार जो दिया है हमें शरीर को चलाने के लिए, और आत्मा का कल्याण हमारा केवल एकमात्र भगवान की भक्ति से ही होगा। और भगवान की जब हम भक्ति करेंगे, उनसे प्रेम करेंगे, तभी हमें उस आनंद की प्राप्ति होगी। और भक्ति की सही सही परिभाषा अगर जानना है तो हमें वास्तविक संत की शरणागति करनी होगी। वास्तविक संत कैसा होता है? वास्तविक संत शायद आप लोगों ने कहीं सुना हो, मुझे तो नहीं पता, लेकिन संक्षेप में सुन लीजिए कि वास्तविक संत कैसा होता है। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद माया नास्तिकतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छे समिक पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। जो समस्त शास्त्र वेदों का ज्ञाता हो, वेद कह रहा है समस्त शास्त्र वेदों का ज्ञाता हो प्लस उसने भगवान को भी प्राप्त कर लिया हो, भगवान का साक्षात्कार कर लिया हो, ऐसे संत की जब हम शरण में जाएंगे तभी हमारा कल्याण होगा। और ऐसे संत का अगर हमें क्षणिक संग भी मिल गया, थोड़ा सा भी संग मिल गया तो हमारा कल्याण हो जाएगा। देखिए तुलसीदास महाराज क्या कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी ज्ञान प्राप्त कर लिया तो वो एक क्षण का
का संग भी हमारा कल्याण कर देगा। तो हमें जब ऐसा संत मिल जाए तो समस्त बाधाओं को, संसार की समस्त बाधाओं को छोड़ करके उस संत को पकड़ लेना चाहिए कि अब हम इसको नहीं छोड़ेंगे। और जब हम उसके बताए अनुसार साधना करते जाएंगे तो एक दिन हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो उसके लिए ये जो हमें मानव देह मिला है ये बड़ा क्षण भंगुर है, बड़ा कम समय के लिए मिला है, पता नहीं कब समाप्त हो जाए। क्षण भंगुर जीवन की कली का, कल प्रात को जाने खिली ना खिली, मलया चलती शीतल शुचि मंद सुगंध समीर चली की हम पूजा
पूजा आराधना करते हैं, क्योंकि वो देव योनि भी भोग योनि है। अभी इतना डिटेल में बताने का समय नहीं है मेरे पास कि मैं डिटेल में बता सकूं, इसके लिए तो मुझे अधिक समय की आवश्यकता होगी। इसलिए आप केवल इतना समझ लीजिए अभी कि वो देवता भी 84 लाख योनियों में आते हैं। जितने दिन का हमने अच्छा समय कर्म किया है, उतने समय के लिए हम देवलोक भेज दिए जाएंगे, स्वर्ग भेज दिए जाएंगे। उसके पश्चात हीन तरम बा विशंति, वेद कह रहा है हीन योनियों में पटक दिए जाएंगे, कुत्ता बिल्ली गधे की योनियों में पटक दिए जाएंगे। ये मानव देह भी छिन जाएगा, और इस मानव देह को पाने के लिए वो देवता भी तरसते हैं कि एक बार हमें ये मनुष्य का देह मिल जाए, क्योंकि इस मनुष्य देह में ही हम कर्म भी कर सकते हैं और कर्म का भोग भी भोग सकते हैं। अन्य 84 लाख योनियों में हम भोग को नहीं भोग सकते, इसलिए वो देवता भी चाहते हैं कि एक बार हमें मनुष्य का शरीर मिल जाए। नर चाहे स्वर्ग सुख, नर चाहे स्वर्ग सुख, गोविंद राधे, स्वर्ग सुर चाहे नर तनु दिलवा दे, स्वर्ग राधा गोविंद जी। जगत गुरु शिष्यपाल जी महाराज, देखिए क्या सुंदर दोहा है। ये मनुष्य चाहता है कि हमें स्वर्ग मिल जाए, और वो स्वर्ग के देवी देवता चाहते हैं कि हमें मनुष्य शरीर मिल जाए। कैसे, एक उदाहरण से समझ लीजिए। एक बार इंद्र स्वर्ग का राजा, आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो वो महल बनवा रहा था। ऐसा महल बनवा रहा था स्वर्ग में कि त्रैलोक में, तीनों लोक में ऐसा महल कहीं ना हो। तो ऐसा महल बनवा रहा था, तो एक बार एक लोमश मुनि भगवान की प्रेरणा से वहां पहुंच गए, और उनके हाथ में एक कमंडल था और एक हाथ में चटाई थी। जैसे ही स्वर्ग लोक पहुंचे तो इंद्र ने देखा, तो इंद्र ने कहा कि मुनिराज आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं लोमश मुनि हूं। उन्होंने प्रणाम नाम किया, तो उन्होंने कहा कि इंद्र ने उनसे कहा कि आप ये कमंडल चटाई लेके कहां इधर उधर घूमते फिरते हैं, कोई अपना घर वर बनवाया कि नहीं बनवाया? तो घर वर तो नहीं बनवाया, छोटा सा जीवन है, छोटी सी जीवन के लिए क्या घर वर बनवाना। जहाँ भूख लगती है कमंडल में जो कोई जो कुछ भी डाल देता है मैं खा लेता हूँ, और जहाँ नींद आती है चटाई बिछा करके सो जाता हूँ। तो क्या अपना घर वर बनवाना छोटी सी उम्र के लिए। तो इंद्र ने देखा कि उनके शरीर में जगह जगह पर उनके रोए उखड़े हुए थे। तो इंद्र ने कहा कि आपके जगह जगह से रोया क्यों उखड़ा हुआ है? तो लोमश मुनि ने कहा कि जब एक इंद्र की उम्र पूरी होती है तो मेरा एक रोया अपने आप झड़ करके गिर जाता है। एक इंद्र की उम्र 100 वर्ष होती है, हम लोग के 100 वर्ष नहीं, हमारा एक वर्ष इंद्र का दिन और रात्रि, यानी कि स्वर्ग में जब हमारा एक वर्ष बीतेगा तो स्वर्ग में केवल दिन और रात ही 24 घंटे बीतेंगे। इस प्रकार से इंद्र की उम्र है 100 वर्ष। तो जब 100 वर्ष की इंद्र की आयु पूरी होती तो एक इंद्र रोया अपने आप झड़ जाता है, यानी एक इंद्र की आयु समाप्त हो जाती, फिर दूसरा इंद्र राज्य करता है। तो इंद्र ने जब देखा कि इतने इनके रोए झड़ चुके हैं,
इसका मतलब इतने सारे इंद्र इनके सामने से जा चुके हैं और जब इनके सारे रोए झड़ जाएंगे तब इनकी मृत्यु होगी, उन्होंने कहा। तो इंद्र ने कहा इतनी लंबी आयु और कहते क्या घर भर बनवाना। उसी समय एक चींटियों की लाइन जा रही थी तो लोमश मुनि ने कहा इंद्र तुम ये जानते हो ये जितनी भी चींटियां जा रही हैं ये सब की सब अनंत बार इंद्र बन चुकी है। हम लोग भी अनंत बार इंद्र बन चुके हैं। आज जो हम लोग यहाँ बैठे हैं हम लोग सोचते हैं कि स्वर्ग मिल जाए स्वर्ग मिल जाए। अरे अनंत बार हमको स्वर्ग मिल चुका है लेकिन अभी तक हमारी लालसा समाप्त नहीं हुई। तो जो चींटियों की लाइन जा रही थी उन्होंने कहा ये अनंत बार इंद्र बन चुकी है। तो इंद्र को वैराग्य हो गया। इंद्र ने कहा बंद करो महल वहल बनवाना, हमें कोई महल नहीं बनाना है। और सब छोड़ छाड़ के चला गया जंगल में और कहा हम तो तपस्या करेंगे। तो देव गुरु बृहस्पति पहुंचे बोले अरे जब मानव देह मिला था मनुष्य का शरीर मिला था तब तो तुमने संत महापुरुषों की बात मानी नहीं। संत ने इतने बार समझाया था कि भगवान की भक्ति करके ही तुझे अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी, तब तो तूने सुना नहीं, उन संत की बात मानी नहीं। अब जब तुझे मानव देह मिलेगा तब तू भक्ति करना, अभी तो तेरी ये भोग होनी है, चाहे तू कितना भी करेगा तेरा ये नोट नहीं किया जाएगा, इसका फल नहीं मिलेगा। तो इसलिए केवल मनुष्य शरीर ऐसा है जिसमें हम कर्म भी करते हैं और कर्म फल भी भोगते हैं। और हमारे कर्म फल को निरंतर भगवान हमारे हृदय में बैठ करके नोट करता रहता है और उसका फल देता रहता है। द्वासु पर्णा संयुजा सखाया समानम वृक्षम परिखल सुजाते तयोरण्य पिप्पलम स्वाद्वत अनश्नन नन्यो अभिचात शीति। वेद कहता है कि हमारे हृदय में दो पक्षी रहते हैं, एक जीवात्मा एक परमात्मा, यानी कि जो हमारी आत्मा है एक वो रहती है और एक भगवान रहता है। तो जीवात्मा कर्म करती है और कर्म फल भोगती है और परमात्मा क्या करता है, हम जो कुछ भी सोचते हैं जो कुछ भी कर्म करते हैं उसको वो नोट करता है और फल देता है। हम लोग ये सोचे मन से किसी को गाली दे या मन से सोचे कि इसको थप्पड़ मारना है इसको पीटना है, भले ही हमने पीटा नहीं है गाली नहीं दी केवल मन से सोचा, भगवान तुरंत हमारे मन के आइडियाज को नोट कर लेते हैं और देखिए उसका फल हमें भोगना पड़ता है। आज जो हम लोग दुख भोगते हैं सुख भोगते हैं तो हम लोग कहते हैं, हमारे पास भी कई लोग आते हैं कहते हैं हम तो किसी के साथ बुरा नहीं करते लेकिन मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है। तो देखिए ये इस जन्म का चिट्ठा नहीं होता है काला चिट्ठा, ये अनंत जन्मों का होता है। अनंत जन्म में मैंने हम लोगों ने जितने भी अच्छे बुरे कर्म किए हैं उसका हमें फल भोगना पड़ता है। तो इसलिए हमें ये निरंतर ध्यान दीजिए, मैं आपके काम की बात बता रही हूँ, हमें निरंतर ये सोचना है निरंतर ये चिंतन करना है कि भगवान हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, चाहे अच्छा कार्य करें चाहे बुरा कार्य करें निरंतर ये सोचना है कि वो भगवान नोट कर लेगा फिर हमें उसका दंड भोगना पड़ेगा। अगर आप ऐसा सोचेंगे ठीक है, हम ये आपसे आशा नहीं करते हैं कि आज का आप हमारा प्रवचन सुने और अभी से आप ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन प्रयास करना पड़ेगा। धीरे 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 जब आप प्रयास करेंगे तो आपकी आदत में आ जाएगा। आप पैदा होते ही चाय नहीं मांगने लगे थे, जब आप थोड़े बड़े हुए सबको पीते देखा माँ बाप ने पिलाया तो धीरे धीरे आपकी चाय पीने की आदत पड़ गई।
पैदा होते ही आप शराब नहीं मांगने लगे थे यार, दोस्तों ने पिलाया, धीरे धीरे पीते गए, उल्टी भी आई, लेकिन आदत डाली बार बार पीने की। और एक दिन इतनी शराब पीने लगी कि खाना भले ही मिले ना मिले लेकिन पीने को मिल जाए। बीड़ी सिगरेट पीने की आदत डाली, लेकिन हमने धीरे धीरे आदत डाली। पैदा होते ही हम बीड़ी सिगरेट नहीं मांगने लगे थे माँ बाप से, ऐसे ही हमें बार 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 ये आदत डालनी होगी कि भगवान हमारे हृदय में बैठ करके देख रहा है, हमें सुन रहा है, निरंतर हमारे आइडिया को नोट कर रहा है, और वो नोट करके फिर हमें दंड देगा, हमें अब उस दंड को भोगना पड़ेगा। इसलिए हमें निरंतर ये चिंतन करना है, निरंतर। ठीक है, अभी निरंतर नहीं होगा, पहले आप एक घंटे में चिंतन कीजिए, हाँ भगवान देख रहा है, फिर धीरे 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 आधे घंटे में चिंतन करने लगे, हाँ भगवान देख रहा है, भगवान देख रहा है, हमें पाप नहीं करना है, गलत नहीं करना है, भगवान हमें देख करके हमारे आइडियाज को तुरंत नोट कर लेगा हृदय में बैठ करके, फिर हमें दंड भोगना पड़ेगा। फिर 5 मिनट में ऐसे जब आप बार 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 आदत डालेंगे तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप आदत पड़ जाएगी। जैसे ही आप कोई कर्म करने चलेंगे, चाहे अच्छा करें चाहे बुरा करें, निरंतर भगवान को याद करना है, तो आप उस कर्म को नहीं कर पाएंगे। आप कहेंगे अरे ये गलत कर्म है, इसका दंड मिलेगा। अच्छा कर्म तो करिए लेकिन गलत कर्म का दंड मिलेगा। हमेशा गलत कर्म को टाल दीजिए, अच्छा कर्म तुरंत कीजिए, गलत कर्म को टाल दीजिए। जब रावण और श्री राम का युद्ध हुआ था और रावण मारा गया, घायल की अवस्था में था, तो लक्ष्मण जी से भगवान श्री राम ने कहा कि जाओ रावण से उपदेश लो। ये रावण महापंडित है, महाज्ञानी है, लेकिन अपने राक्षसी स्वभाव के कारण उसने ऐसा कर्म किया, लेकिन बहुत बड़ा ज्ञानी है, उससे कुछ उपदेश ग्रहण करो। तो लक्ष्मण जी गए उनके सिर के पास जाकर के खड़े हो गए। तो लक्ष्मण जी से रावण ने कहा कि तुम चरणों के पास खड़े हो। लक्ष्मण जी ने सोचा अभी मरने जा रहा है, मृत्यु के समीप खड़ा है, उसके बाद भी उसका अहंकार नहीं गया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है राम को बुलाओ। ठीक है राम को बुलाया, तब राम ने लक्ष्मण को समझाया कि जब हम किसी गुरु से ज्ञान लेते हैं तो उसके सिर के पास नहीं खड़े होकर के ज्ञान लेते हैं, उसके चरणों में बैठ करके ज्ञान लेना चाहिए। जब हम चरणों की वंदना करेंगे, चरणों की भक्ति करेंगे भगवान और संत की, तो चरणों से ही हमें उस ज्ञान की प्राप्ति होगी। तभी रावण ने लक्ष्मण को उपदेश दिया था और कहा था कि अच्छा काम तुरंत करो और बुरे काम को टाल दो, कल पर छोड़ दो, कल कर लेंगे, अरे अभी हमारी बुद्धि खराब है, कल तक ठीक हो जाएगी, आज तो उसको पीटना है, अगर हमने सोचा है तो सोचो अरे यार कल पीट देंगे, आज छोड़ते हैं, हो सकता है कल तक हमारी बुद्धि ठीक हो जाए और हम गलत कर्म से बच जाएंगे। तो इसीलिए निरंतर हमें ये चिंतन करना है कि भगवान हमारे हृदय में बैठ करके निरंतर हमारे आइडियाज को नोट कर रहा है और फल मिलेगा। जब धीरे 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 जब हम ये चिंतन करते रहेंगे तब हम एक दिन निरंतर अपने हृदय में बिठा लेंगे कि हाँ भगवान देख रहा है। ये जितनी भी कोर्ट है, मिलिट्री है, ये सब शासन क्यों है? ये सब शासन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी अगर विश्व के प्रत्येक जीव के मन में ये बैठा दिया जाए कि भगवान हमें देख रहा है। सब कह रहे हैं अरे गलत काम मत करो, गलत काम मत करो, लेकिन क्यों ना करें, ये कोई समझाने का प्रयास नहीं करता। जिस दिन हम ये समझाने का प्रयास करेंगे कि गलत काम मत करो, क्यों ना करें, क्योंकि वो जो भगवान है, सुप्रीम कोर्ट है, अगर उसने नोट कर लिया तो हम कभी भी बरी नहीं।
तो इसलिए नित्य निरंतर हमें चिंतन करना है, ये प्रयास करना है कि भगवान हमारे प्रत्येक आइडिया को नोट करते हैं और फल देते, बस यही चिंतन करना है। कोई भक्ति की आवश्यकता नहीं हमने, और ना कोई व्रत की आवश्यकता, उपवास की आवश्यकता नहीं, जप तप नियम किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। बस आप निरंतर मन से भगवान का चिंतन करते जाइए। देखिए रामायण में क्या कहा गया है, जप तप नियम योग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा, ज्ञान दया आजा जा राधे आके ना जा मेरी राधे।
रहेगी राधे। हे राधा रानी, तुम्हारे बिना ये जीवन हमारा बेकार है। जब तक तेरी कृपा नहीं मिलेगी, तेरा दर्शन नहीं मिलेगा, हमारा ये जीवन बिल्कुल बेकार है। अपने दर्शन देकर के हमारा जीवन सफल बना दे। अपनी बनाना बना मेरी बन राधे। हे राधा रानी, भले तो मुझे अपनी बना चाहे ना बना, तेरे तो अनंत भक्त है, लेकिन एक बार कृपा करके मेरी बन जा। अगर तू मेरी बन गई तो मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा। तेरे सुख को ही मानो निज सुख राधे। हे राधा रानी, ऐसी कृपा कर कि जिसमें तुझे सुख मिले, तुझे आनंद मिले, उसमें ही मैं अपना सुख मानो। और जब मेरे पास दुख आए तब भी मैं यही सोचूं कि ये भी तेरी कृपा है। इसी प्रकार से बाकी जो समझ में नहीं आएगा मैं आपको समझा दूंगी, बाकी आप लोग सुनेंगे ध्यान से और उसको मानेंगे। आप लोगों को लगता कोई खुशी नहीं हुई है,
Thank you.